हीमोग्लोबिन का टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन सबसे पहले पता होना चाहिए कि होता क्या है। हीमोग्लोबिन फाउंड होता है हमारे आरबीसी सेल्स में। अगर पेशेंट को एनेमिक कंडीशन है या उसको लैक ऑफ ब्लड है उसकी बॉडी में, लैक ऑफ ब्लड, तो उसके लिए डॉक्टर्स प्रीफर करते हैं सीबीसी टेस्ट, जिसमें से एक आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट भी आता है। अब हीमोग्लोबिन टेस्ट को करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये आपका जो होता है कंपैरेटर बॉक्स है और ये आपकी एचबी क्यूबेट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास ये NY10HCl होता है और उसके साथ ही एक हमारा ड्रॉपर और डिस्टिल्ड वाटर, और इसमें आपका एक होता है स्टीलर, इसको बोलते हैं हम स्टीलर, जो मिक्सिंग का काम करता है सैंपल को, ठीक है। और सबसे जरूरी बात जो है हमारे पास इस टेस्ट को लगाने के लिए सैंपल भी होना चाहिए। तो सैंपल जो ये लेंगे हम, ये EDTA ब्लड है जिसका यूज हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसमें NY10 लीजिए, NY10 लेना है हमें। इसमें दो मार्किंग है, एक रेड कलर मार्किंग है और एक येलो कलर मार्किंग। तो रेड वाले मार्किंग में जो 10 मार्क तक होता है वो हमारा NY10HCl लिया जाता है, ठीक है। डाल दिया। नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा, आपको 20 क्यूबिक मीटर इसमें क्या लेना होता है, ब्लड सैंपल। तो इसमें मैं पहले पिपेट में सेट करूंगी, जो कि ये माइक्रो शेप लगाया है मैंने इसमें, और ये 20 सेट किया है, ठीक है। इसमें से हम 20 माइक्रो सैंपल लेंगे, इसको ऐसे पिपेटिंग करना है हमें, और ये अब हमें इसको इसमें डालना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे नीचे को थोड़ा सा डालेंगे, फिर इसे हमें मिक्स करना होता है। मिक्स करने के लिए थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से ले जाएंगे तो ये HCl से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। हो गया, डालो जल्दी। इसमें एसिड हैमेटिन रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउनिश। जैसे ही ब्लड आपका HCl में मिक्स होगा वैसे ही उसका कलर चेंज होगा। अब इसको हम 5 मिनट के लिए वेट करते हैं, 5 मिनट के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है इसको। डालो ड्रॉप करो, इसको डिस्कार्ड करिए। अब इसे मिक्स करना है थोड़ा सा, आपने ग्लव्स पहना हुआ है, इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कीजिए, ठीक। अब स्टैंड कर देंगे 5 मिनट के लिए, क्यों, क्योंकि 5 मिनट में हम इसका रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि एसिड हैमेटिक रिएक्शन होता है, ठीक है, जो कि सैलीज मेथड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मेथड जो है ये सैलीज मेथड है हीमोग्लोबिन का। तो आफ्टर 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद इसमें हम थोड़ा सा वेट करेंगे, और फिर आफ्टर इसको डाइल्यूट करना है हमें। डिस्टिल्ड वाटर है आपका, ये जो होता है ये आपका क्या है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो 5 मिनट हो गए, अब आपको डिस्टिल्ड वाटर लेना है इसमें, लो डिस्टिल्ड वाटर। और इसमें हमें देखिए एक चीज और, ये ड्रॉप वाइज ड्रॉप, तो हमें जैसे इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालना है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर दो ग्लास रॉड्स लगे हुए हैं इस हीमोमीटर में, दिख रहे हैं सबको, ब्राउन कलर के, ये ब्राउन कलर के दो रॉड्स होते हैं, जिसमें आप जब डिस्टिल्ड वाटर को डायल्यूट करेंगे इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो आपका जो ये सैंपल है इसका कलर जो है हमारा इसके साथ मैच हो जाना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो रीडिंग आप वहाँ पर नोट नहीं करेंगे। जैसे ही आपका मैच हो जाता है तो आपका जो ये येलो लाइन होता है इस लाइन पर आपको रीडिंग नोट करनी होती है। तो अब आप लेंगे डिस्टिल्ड वाटर, हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालेंगे, ये आपने डाला इसमें, ठीक है। और दूसरा, आप अभी जैसे हमने देखा था कि ये स्टीलर था, स्टीलर का कॉल क्या है इसमें, ये मिक्सिंग करेगा इसको अच्छे से, ठीक है। अब हम इसको मैच करेंगे कि कलर जो है इसमें मैच हुआ है। अभी देखिए थोड़ा सा डार्क है, अभी ब्राउन डार्क है ना, लेकिन हमें इसको लाइट करना है, तो इसका मतलब अभी इसके अंदर हमें और डिस्टिल्ड वाटर डालना है। ये डालिए आप, फिर से मिक्स करेंगे इसको हम अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर कलर मैच करेंगे, देखिए अभी भी थोड़ा डाल है ना,
कलर आया है बट अभी थोड़ा सा डाल दें, इसको हमें आर्टिफिशियल लाइट में भी हम कर सकते हैं या नेचुरल लाइट में भी दे सकते हैं। दूसरा अभी हमें फिर से इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाइल्यूट करना है अगेन। ये आपका फिर से हमें मिक्स करना है सैंपल, ठीक है। देखा ये मैच हो गया कलर, देखिए मैच हुआ, देखो दोनों रॉड से मैच हो रहा है कलर, ठीक है। और इसमें मैच हो गया, ये मैच हो गया ना कलर पूरा, ये ब्राउनिश कलर बिल्कुल एज इट इज कलर आ गया है। तो फिर अब जैसे ही कलर आ गया तो हमें इसका रीडिंग भी नोट करना है कि किस जगह पे रीडिंग आया है। ये 15 पे आया है, मतलब इसका हीमोग्लोबिन जो है वो 15.0 ग्राम पर सेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हीमोग्लोबिन परफॉर्म करना है, हो गया, ठीक है। अभी डार्क थोड़ा सा ये ऐसे इसमें, ये हमारा ये मैच कर जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो आपका जो रीडिंग आया है इसमें सेम सैंपल है, तो ब्लड का रीडिंग आया है इसमें 15.0 ग्राम पर से HB आया है। तो इसी तरीके से आपको ये फिनिश करना होता है हीमोग्लोबिन टेस्ट। ये ब्लड ग्रुप टेस्ट करने जा रहे हैं हम। ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास होना चाहिए एक तो सैंपल होना चाहिए। सैंपल जो है ये हमारा EDTA ब्लड है। कौन सा ब्लड है? EDTA ब्लड है, क्योंकि होल ब्लड होता है, क्योंकि सीरम से हम ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं लगाएंगे, होल ब्लड से ही हमेशा टेस्ट लगाएंगे इसका, ठीक है। और EDTA जो होता है वो एक एंटीकोगुलेंट का नाम है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, ठीक है। और दूसरा जो हमें चाहिए ये ABD जो एंटी सीरा है लिक्विड, ये आपका इस तरीके से होता है। इसमें 3 एंटी सीरा होते हैं, जो कि फर्स्ट वाला जो ये होता है आपका NTA होता है, ये NTA, और ये आपका NTA है। NTA है जो कि हम A ग्रुप में इसका 1 ड्रॉप डालेंगे। इसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि ब्लू कलर का होगा और इसमें मार्क भी किया होता है NTA। और दूसरा इसी तरीके से ये NTB होता है, जिसमें कि आप जो बी मार्किंग करेंगे ग्रुप की उसके लिए ये यूज करेंगे। इसका आइडेंटिफिकेशन कलर क्या है? येलो। और इसमें लिखा भी है देखो NTB, ये आपका NTB हो गया। और ये आपका फिर थर्ड वाला जो होता है ये आपका NTD होता है। NTD मतलब RH फैक्टर जो आप करते हैं, जो ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और नेगेटिव एक रिजल्ट देता है वो इसकी वजह से आता है। अगर ये पॉजिटिव देगा तो मीन्स आपका ग्रुप पॉजिटिव है, नेगेटिव मतलब इसमें कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगी। और इसका आइडेंटिफिकेशन कलर जो होगा वो वाइट होगा। कहीं कहीं इसमें RH भी लिखा होता है, लेकिन इसमें जो है अभी D है। और अब हमें क्या करना है, ये मैंने 3 स्लाइड्स लिए हैं, ये 3 स्लाइड्स हैं मेरे पास, 3 स्लाइड्स हैं ये, जिसमें कि फर्स्ट एक मार्किंग जो क्या है A, सेकेंड आपका B है और थर्ड आपका D है। अब हमें इसमें ब्लड लेना है, अब हमें इसमें ब्लड ड्रॉप डालना है और फिर ड्रॉप डालने के बाद एंटी सीरा लेना है। तो ये मैंने यहाँ रख दिया है। अब इसको मैंने 30 माइक्रो सेट कर लिया है कि एक ड्रॉप जो मैं लूँगी वो 30 माइक्रोमीटर लूँगी। तो ये आपका ये सेट कर दिया मैंने। और दूसरा ये पिपेट है, पिपेट में हमें माइक्रो टिप्स लगाना है। सैंपल लेने के लिए मैंने 30 माइक्रोमीटर इसमें सेट किया हुआ है। अब इससे हमें ये जो हमने सैंपल लिया हुआ है इसी सैंपल से हमको इसे खोलना है और इसमें ये लेना है ये सैंपल। इस तरीके से ये पिपेटिंग होगी, देखिए ये नीचे गया, लेकिन हमें ये पूरा पुश नहीं करना है नीचे, सिर्फ यहाँ तक ले जाना है। और फिर इसको हमें सैंपल लेना है, 1 ड्रॉप यहाँ रखेंगे और फिर दूसरा ड्रॉप लेंगे, फिर थर्ड ड्रॉप लेंगे इसमें और फिर इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये टिप्स जो है आपकी, सैंपल को कैप करना है फिर से और ऐसे ही फिर रख देते हैं।
अब जिसमें ए ड्रॉप में डाला है, ठीक है, उसमें मैं ये ए एंटी सीरा डालूंगी, ठीक है, ये ए एंटी सीरा है आपका, इसमें ड्रॉपर लगा होता है, मुझे वन ड्रॉप डालना है। और इसको हमें ये याद रखना है, कभी भी हमें ब्लड से इसको टच नहीं करना है, क्योंकि फिर ये ए में भी इसका रिएक्शन हो सकता है, बी में भी, तो इसलिए उसे टच नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर से हमें ये डाल देना है। चाहे तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं ऐसे, और फिर इसको अगेन हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट आपको बी उठाना है, ये हमारा एंटी बी है जो कि हमने स्लाइड पे बी मार्किंग किया हुआ है, उसमें ही हमें वन ड्रॉप इसका डालना है, ये डाल दिया, और फिर हमें इसको ऐसे कैप करना है और रख देना है फिर इसको, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा डी लेना है, और डी में भी हमें इसको ओपन करेंगे और इसका भी ड्रॉप लेना है, एक ड्रॉप हमें ऊपर से इसके ऐसे डाल देना है। तो ये आपका डी हो गया और रख दिया मैंने। अब हमें इसमें लास्ट में क्या करना है, इसको मिक्स करना है। ये मैंने टिप्स लिया है, मैक्रो टिप्स है, मिक्सिंग के लिए आप चाहें तो स्लाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से पहले मिक्स करूँगी अच्छे से, ये मुझे मिक्स करना है अच्छे से। और अब दूसरा जो है, अच्छा ये हमेशा याद रखना है कि ये टिप जो है दूसरे में टच नहीं करना है, हमें इसको अपोजिट साइड से फिर करना है, ठीक है। ये मैंने इसको ऐसे मिक्स कर दिया, अब दूसरे टिप यूज़ करेंगे हम, थर्ड वाली फिर से लेंगे, और ये मिक्स किया मैंने, एग्लूटिनेशन देखना है इसमें, हमें एग्लूटिनेशन देखना है कि किसके अंदर ब्लड एग्लूटिनेट हुआ है, जैसे दूध में दही फट जाना उस तरीके से ये कुछ होगा, ठीक है। और दूसरा आपका ये हमारे तीन ग्रुप हैं, ए में कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है और ना ही कोई बी में हुआ है, और सिर्फ डी में हुआ है, तो इसका मतलब कि ये ग्रुप जो है ओ पॉजिटिव है। लेकिन अगर ए में एग्लूटिनेशन हो जाता और डी में हो जाता, बी में नहीं होता, तो ये ग्रुप हमारा ए पॉजिटिव ग्रुप होता। दूसरा इसी तरीके से, अगर आपका बी में आता है एग्लूटिनेशन, ए में नहीं आता है और डी में आ जाता है, तो ग्रुप इज़ बी पॉजिटिव। और अगर किसी कंडीशन में इन दोनों में कोई भी ग्रुपिंग नहीं आती है, सिर्फ डी में आती है, तो ये ग्रुप होगा ओ पॉजिटिव। और अगला एक और कंडीशन है, अगर ए और बी दोनों के अंदर एग्लूटिनेशन आ जाए और डी में भी आ जाए, तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है आपका ए बी पॉजिटिव ग्रुप होगा। ये तो रही पॉजिटिव की बात, अगर नेगेटिव ग्रुप होते हैं तो नेगेटिव में सिर्फ इतना होता है कि ये जो डी फैक्टर है आपका, आरएच फैक्टर, इसमें कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होगी, सिर्फ ए में होगी, अगर बी में नहीं है, डी में नहीं है, इट मीन्स कि ये ग्रुप ए नेगेटिव है। ऐसे ही अगर बी में एग्लूटिनेशन है, ए में नहीं है, डी में है, डी में भी नहीं है, तो इसका मतलब ये बी नेगेटिव ग्रुप है। अब तीनों स्लाइड्स में अगर कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं है, तो इट मीन्स कि ग्रुप इज़ ओ नेगेटिव ग्रुप है ये। तो इसी तरीके से हम ब्लड ग्रुप करते हैं। और देखिए अभी अभी हमने ये जो ब्लड ग्रुप सीखा है, ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो ये सारे प्रोसेस मैंने आपको जिस तरीके से बताए हैं, इसी तरीके से इसका एग्लूटिनेशन चेक करना होता है और ग्रुप रिजल्ट देना होता है। अब अगर आपसे कभी कोई बात होती है कि ब्लड ग्रुप को हमें किसने बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ब्लड ग्रुप जो बताया था वो साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्ट्रीनर ने इसके बारे में बताया था। वैसे और भी बहुत होते हैं, लेकिन जो हम रिसेंटली जानते हैं ए बी ओ सिस्टम जानते हैं ब्लड ग्रुप का। तो इस तरीके से आपको करना है ग्रुपिंग, ठीक है। ये हमारा यूरिन एनालिसिस टेस्ट है, यूरिन एनालिसिस में जिसमें कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स जो हम अपनी नेकेड आईज से देखकर उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इसमें एबनॉर्मलिटीज़ हैं और क्या नॉर्मलिटीज़ हैं। सबसे पहले हमें एक स्ट्रिप लेनी है, ये स्ट्रिप है आपकी, और इस स्ट्रिप को हमें इसके अंदर यूरिन में डिप करना है 20 सेकेंड्स, नॉर्मली 10 to 20 सेकेंड्स, ठीक है, मतलब डालना है और डाल के तुरंत उसको निकाल देना है। ये मैंने इसको निकाल दिया है, और इसको फिर हमें जो इसमें ये कलर दिए हुए हैं कुछ, इस कलर को हमें इसमें मैच करना है। जैसे कि इसमें हमने स्ट्रिप डिप किया, इसका कलर मैच करना है हमें। जैसे फर्स्ट वाला जो है ये आरबीसी है,
आरबीसी में आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर एग्जैक्टली उसी तरीके का कलर है, अभी मैच जो कलर चेंज नहीं हुआ है। अगर कलर चेंज होता तो ये ग्रीन और डार्क ग्रीन में चेंज हो जाता अगर आरबीसी प्रेजेंट होते इसमें। और दूसरा आपका ऐसे ही बिलीरूबिन है, जो ये वाइट कलर दिख रहा है आपको दूसरा कलर, ये भी एब्सेंट है बिलीरूबिन भी, क्योंकि इसमें भी कोई भी कलर देखिए आप नहीं चेंज हुआ है, इसमें भी सारे कलर सेम ही, इसका आगे पिंकिश कलर नहीं हुआ है, सिर्फ वाइट कलर ही रह गया है। तो इसका मतलब कि बिलीरूबिन भी हमारा एब्सेंट है इसमें। अब थर्ड कलर जो है इसमें देख सकते हैं हम, यूरोबिलिनोजन है ये थर्ड कलर। थर्ड कलर में भी कोई भी चेंजिंग नहीं आया है, कोई भी चेंजिंग नहीं आया, इसका मतलब ये भी आपका एब्सेंट है। और आपका जैसे कि ये फोर्थ है, फोर्थ में आपका कीटोन बॉडी है, कीटोन बॉडी आल्सो एब्सेंट, क्योंकि कलर जो है एग्जैक्टली मैच नहीं हुआ है वो भी, क्लियर। और आपका नेक्स्ट प्रोटीन है ग्रीन कलर, ये जो आप देख सकते हैं प्रोटीन में, इसका प्रोटीन भी कलर सेम है, ग्रीनिश कलर ही है। अगर ये भी आपका डार्क ग्रीन हो जाता या डार्क ब्लू पहुंच जाता तो इसका मतलब कि यूरिन में प्रोटीन आपके प्रेजेंट है। और नेक्स्ट आपका है नाइट्राइड, नाइट्राइड का भी कलर कोई चेंज नहीं हुआ है। ये आपका लास्ट है शुगर, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में भी देखिए ये ब्लू था, ब्लू ही है, ये देख सकते हैं हम ग्लूकोज का जो है ब्लू कलर ही है, और ये भी आपका सेम कलर इस पर ही है, और ये भी आपका एब्सेंट है। अगर ये भी चेंज हो जाता, डार्क ब्राउन हो जाता, येलो हो जाता, तो ये आपका 4+ तक जाता, लेकिन अभी ये नेगेटिव है। अब हम पीएच देख सकते हैं इसका, पीएच का जो है ये 6.0 के अराउंड आ रहा है, ये पीएच 6.5 आ रहा है येलो, क्योंकि देखिए ये येलो से यहाँ से मैच हुआ है, ये येलो मैच हुआ है, तो यहाँ पर हम ये रीडिंग दी हुई है, यहाँ पर ये देख सकते हैं 6.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जो पीएच है यूरिन का वो 6.5 है। और दूसरा इसमें दिया हुआ है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, ये भी जो है ये 1.030 तक जा रहा है, ये 1.020 पे कुछ समथिंग मैच हो रहा है। और लास्ट जो है आपका ल्यूकोसाइट, मतलब पस सेल्स में भी ये नॉर्मली आ रहा है, ज़्यादा ये भी कोई एब्सेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये स्ट्रिप्स देखकर कलर मैच करना होता है, जो कि एक सिंपल मेथड है फिजिकल एनालिसिस के लिए यूरिन का। ये अभी अभी हमने जो टेस्ट किया यूरिन एनालिसिस में ही हमने किया है फिजिकल एनालिसिस, ठीक है, फिजिकल एनालिसिस जिसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप के नेट आई से अपने देख कर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जिसके लिए आपको बताया था कि किस तरीके से पहले यूरिन सैंपल होना चाहिए, है ना, कि यूरिन सैंपल, और दूसरा आपका ये स्ट्रिप होनी चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रिप मेथड कर रहे हैं। स्ट्रिप को हमने वो सेम वही डिप करके और फिर कलर चार्ट मैच किया, तो इस तरीके से एग्जैक्टली हमारा टेस्ट कम्प्लीट हुआ, तो सबको क्लियर हो गया।